friends, this is your host Rajit Pangal. I hope you're all fit and fine. So भाई अब मैं vlogs daily डालने लगा हूँ. जब vlog की ना duration कम हो but डालूंगा जरूर, ठीक है. So आप लोगों का प्यार मैंने देखा, comment section भर दिया आप लोगों ने. वही लस्सी पी रहा हूँ मैं, लस्सी. और आज मेरा फेवरेट बना है आलू फ्राई, और मैं आधी प्लेट भर के सब्जी खा रहा हूँ. और स्पेशली मेरे लिए बनी है, थोड़ी सी और रखी हुई मम्मी ने, मैं खा दूंगा. और ये चूरमा आया था, ये आंटी जी ने भेजा है, बहुत मस्त था आंटी जी, एक नंबर था. सो मैं लस्सी पी रहा हूँ. लस्सी के बगैर तो अपने भाई खाना पूरा ही नहीं होता है, मान लो. आप लस्सी पीते हैं, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं. आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी है मेरा. आज मैं दूसरे चैनल के लिए भी दो तीन वीडियोस बना के आनी है, और कई सारी चीजें हैं वो आपको साथ के साथ लेके चलते हैं. चलो, कोई जवाब ही नहीं. हेलो हेलो, जवाब तो दे दे कर. तो आप में से ये बताओ, लस्सी को मीठी लस्सी कौन पीता है यार? मैं को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मीठी लस्सी. मैं तो भैया अपना नमक ठोक के बढ़िया फिर लस्सी पीता हूँ भाई, सीधी सी बात है. मेरे को तो नमकीन लस्सी ही पसंद है. तो दोस्तों, लेट्स गो टू द फार्म. और फिर मुझे एक बार सुमित के पास भी जाना है, वहाँ एक वीडियो बनाने जाना. कई सारी चीजें हैं मैं प्लान कर रहा हूँ. और दोस्तों, एक और चीज, आप अब से मेरी एक लाइफ देखोगे कि जिसमें एक 22-23 साल का लड़का अपनी जर्नी कैसे दिखा रहा है, कैसे हम ग्रो कर रहे हैं, कैसे मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसको कैसे संभालूंगा, कैसे मैं अपने सपने पूरे करूंगा, सब चीजें अब इन व्लॉग्स में दिखेंगी. मैं एक अलग ही लाइन पे चल पड़े हैं. जैसे कि व्लॉग्स, जो ये व्लॉग्स है ना, ये अब एक हर उस बंदे की, हर उस लड़के की कहानी होगी जो वही है ना, अभी अपनी 20s में है और वो कामयाब होना चाहता है और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है. तो शॉर्ट शब्दों में मैंने समझा दिया, पर क्या गया कि आपको व्लॉग्स में पता चलता ही रहे. दोस्तों, मेरे को थोड़ी सी गाड़ी साफ करने का मन कर रहा था, मैं सोचा थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ. फिर गाय दिखी, इसको बेचारी को प्यास लग रही होगी, तो मैंने बाल्टी सीधी इसके आगे रख दी थी. तो ये पानी पी रही है, पानी पी लेगी, फिर मैं इस पर पानी मारूँ. पी लिया बेटा, पी लिया पानी, ले जाओ आप. चलो इसे वापिस भर देते हैं बाल्टी. Your lips will let me go for long now. Right, I already know what's on your mind. I already know what's on your mind. And you can try, but you can hide it from me. You think it's secret, but it's easy to see. पे तो पहुंच गया भाई. पे पहुंचते ही सबसे पहला काम ये करना है कि अपने जो भी जूते वगैरह चप्पल है उनको नीचे से डिप करके. तो भाई सेफ्टी ज्यादा जरूरी है. तो ये देखो, नमस्कार मालिक साहब. नमस्कार, क्या कर रहे हो भाई? मेरे पहुंचो, पानी दे रहा. पानी दे रहे हैं मालिक साहब, और ये ठंडा कर दिया, यहाँ पे भी पानी डाला हुआ है. शाम को आराम मिल जाएगा ना? हाँ, ठंडा हो जाता है ये. तो बढ़िया हो गया, पौधे वगैरह तो ये पानी देना जरूरी है भाई. पानी से ही ये बढ़िया ग्रोथ करेंगे, नहीं तो मर जाते हैं. धूप बहुत ज्यादा गिरती है. कितना टेम्परेचर हो जाता है पापा यहाँ पे अपने हरियाणा में? हिसार हरियाणा में अभी भी 42-43 का चल रहा है. और हाईएस्ट कितना? हाईएस्ट 7-8 तक भी हो जाएगा. अभी 42-43 चल रहा है. तो बट अंदर टेम्परेचर कितना होगा पापा? 28 के आसपास आएगा ना, 27-28 के आसपास अंदर टेम्परेचर पाएगा. इतना फर्क है, कम भी हो सकता है. रात को कम हो जाता है, 24-25 तक भी पहुंच जाता है जब ये कूलर चलाता है ना. हाँ, जब तक बारिश नहीं आती तब तक तो यहाँ पे 26-28 टेम्परेचर है मेंटेन. जो टेम्परेचर हमने कोनी और बच्चों के लिए एसी चला के ऊपर मेंटेन करा हुआ है, ये फर्क है ना बहुत ज्यादा. वो थर्ड फ्लोर पे है, वहाँ पे हीट बहुत ज्यादा तेज गिरती है ना पापा जी. मतलब ऑब्वियस ही बात है, थर्ड फ्लोर पे पहले हीट पहुंचेगी. फर्क होता है भाई इन चीजों का. चलो ब्रूनो, क्लास चल रही है ब्रूनो की? हो गया ये. हाँ भाई ट्रेनर साहब, क्या हाल है? स्टेप लगा रखा है ये. ब्रूनो पूरा आज्ञाकारी हो रहा है. कल
करना मैं जा रही हूँ। ब्रूनो कम ज्यादा छोटा ब्रूनो है देख लो ये छोटा सा इतर कितना सा दिमाग होगा इसमें। नमस्ते तो वही मम्मी की फ्रेंड्स आ रही है अपने फार्म पे सो उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं आया हूँ कुछ खाना लेने। दिखाता हूँ आपको क्या लेंगे। तो ये वाले लिए हैं मम्मी ने कहा ये वाले लेने ये प्यार कराती है सबसे सबसे ज्यादा ये प्यार कराती है। ये ईना है वो मीना है फ्रेंड आई थी सारी। ये देखो भाई ये है मिक्कू इसके साथ ही बैठा हूँ मैं आज केज में और ये अपना ईना मीना और खुशी वहाँ घूम रही है। खुशी अपना है काम कर रही है पूरा प्रोटेक्शन का और इनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैं अंदर बैठा हूँ क्योंकि ये मिक्कू इस साइड से और वो दोनों उस साइड से भौंक रही थी एक दूसरे को। तो ये ले मिक्कू मिक्कू गेस्ट है हमारे घर यहाँ पे 8 days के लिए गेस्ट है। गुड्डू को मैंने बाहर निकाला था उसको खिला दिया वो अंदर वापस चला गया। सो दोस्तों लेट मी गिव यू एन अपडेट। अभी अभी क्या हुआ यार मेरा ना मन कर रहा बहुत ज़्यादा फिश लेके आने का नहीं और मोहित को भी फिश चाहिए थी सो मैंने उसको कहा कि भाई तू जल्दी जल्दी आ और आप चलते हैं फिश लेने। तो उसके घर पे कोई फंक्शन है वो भी वही वहाँ से बंक मार के और मैं भी यहाँ से इन सबको ना घुमा दिया प्रॉपर तरीके से पर ये मेरी शक्ल देख के इनको यूँ लालच होता है कि और खिला दो ठीक है। सो हाँ अब चल रहे हैं फिश लेने और मोहित के 2-3 चीज़ और लेनी पर मैं तो फिश लेने जा रहा हूँ जो भी फिश मुझे पसंद आई वो ले आऊँगा। तो दोस्तों बहुत बढ़िया जगह पे आए और मेरा दिल खुश हो गया यहाँ आके और ये मेरे को पता नहीं था कि ये भाई है ये मेरे बहुत अच्छे हैं मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से और उन्होंने नई शॉप करी है हिसार में। सो जो भी अपने लाहौरिया चौक वाली साइड जो भी बंदे रहते हैं तो वो इस साइड जरूर आए बाकी पूरे हिसार वाले ही आए यार है ना। लो आपको दिखाता हूँ आपको क्या लग गया भैया आप भैया की ओपनिंग अभी 1 तारीख को हुई थी। हाँ सर 1 तारीख को मेरे को खुद नहीं पता था मैं खुद खुश हुआ मैं कहा भैया बहुत अच्छा लगा मेरे को ये आगे मैं तो देखा शॉप में भैया बैठे हैं मैं कहा यार बहुत बढ़िया। तो अपना एक बार एड्रेस बता दो लोरिया चौक नियर एचपी पेट्रोल पंप बिल्कुल अपोजिट साइड में है वहाँ से और जरूर आना एक बार विजिट करना बहुत अच्छी है और क्वालिटी वाली फिश रखी हुई है मेरे को ये पसंद आ गई है और बहुत सारी फिशेज है फिश है एरवाना वगैरह पैरेट वगैरह कई सारी फिशेज रखी हुई है। सो एक बार चेकआउट जरूर करना और मेरे लिए मंगवाओ भी आइए ठीक है एक पेयर चाहिए ये लेके आते ये बस बंटी वाले टैंक में डाल देंगे ठीक है ना बढ़िया लगा ना बंटी वाले वाइट कलर चलो फिर ये पक्का हो गया ये मंगाओ भैया व्हाइट कलर में मंगाना और जोन सी आपको लगे ना बढ़िया से बढ़िया वो वाले आपके लिए स्पेशली फुलवन पूरी 100% फुलवन मंगाएंगे। हाँ वो मंगाओ और आप बंटी वाले टैंक में डालो और आपको पेयर देंगे आप उसकी ब्रीडिंग कराओ। हाँ आप उसको डोनेशन में उसके बड़ा जरूर करके दिखाएंगे ब्रीडिंग ही करेंगे मेरे खुद वो कीड़ा से जो हो रहा है कि मैं ब्रीडिंग करनी है तो करेंगे तो आप सोच रहे आपका ड्रीम है ना कि मेरे ब्रीडिंग का सेटअप बनाना है। हाँ हाँ तो इस हिसाब से आपको इस हिसाब के बोले कि किसे देंगे आपको। हाँ वो क्या ब्रीडिंग फार्म बनाओ आप बस अभी ना दिन बताओ कितने दिनों में आएगी नेक्स्ट ट्यूजडे तक मैं कोई ज्यादा नेक्स्ट ट्यूजडे मतलब 1 वीक बाद 1 वीक बाद चलो कोई नहीं जो आएगी आपको तो अपडेट मिलता ही रहता है। लो भाई मोहित के टैंक में आज 2 मछलियाँ डाल देते हैं मोहित निकाल दिखाते कौन सी
ये लो ये वाली, एक तो ब्लू वाली तो जैसे अपने टैंक में भी है, ये वाली नहीं है अपने टैंक में, तो ये अलग से ले गए हैं और फुल साइज के ले गए हैं चॉकलेट्स। सो ये दोनों ट्रायल बेस पे डाल देते हैं और टैंक भी बड़ा सुंदर लग रहा है अभी। लाइट इसकी वही करी हुई ऑर्डर आ जाएगी और फिर लगा देंगे लाइट भी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। बस यहाँ पे पैंडोमिस्टिक का लोगो आने वाला है, वो लग जाएगा, एक कमी है और लगभग सारी चीज़ें सही है। इसको दो मिनट छोड़ देते हैं इसके अंदर, कलर तो बड़ा सुंदर है इसको। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा था, नेक्स्ट व्लॉग पूरा डे का व्लॉग होगा। सो अब डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोगों की बात सुन के मैंने कर रहा है, तो अब सपोर्ट करना यार। सपोर्ट इन द सेंस क्या करना है, आपने थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो, वीडियो को ना वॉच टाइम बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, कोशिश करो पूरा व्लॉग देख पाओ यार। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप मेरे ट्रू फैमिली मेंबर हो, इसके लिए आप लोगों को ना लाइक तो बनता ही है यार, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में भर दो यार कमेंट सेक्शन कि भाई कैसा लग व्लॉग, क्या क्या सजेशन है, क्या क्या चीजें आपने आगे देखनी है। सो सब चीज पूरा कमेंट सेक्शन भर दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, ओके बाय बाय।